नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथूरिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। और आज आपको अपने फेवरेट कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं, वो है फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, यानी कि धंधे में फाइनेंस की सूझबूझ। जितने हम व्यापारी होते हैं, जितने हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो हमेशा समझते हैं यार फाइनेंस तो अपना काम ही नहीं है, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, आपको थोड़ा बहुत डराता रहता है, अरे देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आपने तो P&L ठीक से नहीं बनाई, आपने तो कैश फ्लो नहीं बनाया, आपने बैलेंस शीट नहीं बनाई, आप अपने धंधे पे ध्यान नहीं दे रहे। तो आप जो है हमेशा डरे सहमे रहते हैं कि किस तरीके से मैं अपने आप को ट्रेन करूं कि यार मेरे को अपने CA की सुननी पड़ रही है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, मैं टोटली अपने CA पे डिपेंडेंट हूं। तो आज आप वरी मत कीजिए, क्यों? क्योंकि फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस यानी धंधे में फाइनेंस की सूझबूझ का जो कोर्स है वो आपको एम्पावर करेगा ये सब जानने में कि फाइनेंशियल टर्म्स क्या होता है। तो क्या सीखेंगे आप इस कोर्स के माध्यम से आप सीखेंगे कि फाइनेंशियल टर्म्स कौन से होते हैं, P&L क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क कैसे लिया जाता है, रेशियोज कैसे बनाए जाते हैं, अपने कंपनी में लिक्विडिटी कैसे चेक की जाती है कि भाई कंपनी सेफ है, सिक्योर है, साउंड है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है कि नहीं बना रही है, कंपनी के पास कहीं बहुत ज्यादा ओवरलोन तो नहीं हो गया। ये सारी चीजें, जस्ट इमेजिन, इतनी सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक ही कोर्स मिलेंगे। 22 हमारी वीडियोस हैं जिसमें ये कोर्स जो क्यूरेट किया है, बनाया है, वो मैंने खुद बनाया है और मेरे साथ मिलकर मिस्टर विशाल ठक्कर ने बनाया है। विशाल ठक्कर जी कौन है, ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, फाइनेंस पर नॉन फाइनेंस पर बहुत किताबें लिख चुके हैं, CNBC ने इनकी किताबें छापी हुई हैं और इन्होंने और मैंने मिलकर ये कोर्स बनाया है। बड़े सिंपल सरल तरीके से आपको समझाया है कि बिजनेस में फाइनेंस की नॉलेज होना कितना महत्वपूर्ण है और कितना ईजी है। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं, आप 2 × 4 जानते हैं, 5 + 5 = 10 जानते हैं, तो आपके लिए फाइनेंस कोई बड़ी बात नहीं है। ये अकाउंटेंट लोग आपको डरा सकते हैं पर फिर आप नहीं डरेंगे, आप मजबूत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सीख ले ली होगी। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट, हम कहते हैं ना लिटरेसी यानी आप एजुकेटेड हैं, तो हम चाहते हैं आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएं, यानी कि आप फाइनेंस को लेके आपकी लिटरेसी बढ़ जाए ताकि आपको कोई भी जो है वो कहते हैं ना, बात करते हैं उल्लू ना बना पाए, आपको कोई भी ऐसे बातें ना बता पाए कि जिसमें आप सोचो अरे यार मेरे को तो ये पता ही नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जहां आपको खुद सब नहीं करना होता पर उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंस एक ऐसा महत्वपूर्ण एरिया है क्योंकि पूरा बिजनेस जो है वो आदान प्रदान का है। आपका रेवेन्यू आता है, आपकी कॉस्ट लगती है, उसके बाद जो मुनाफा बचता है उसी में आप अपना घर चलाते हैं। अगर हम ये बेसिक चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो हमेशा हम बिजनेस में टेंशन में रहेंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स को तो आप ज़रूर देखें, आप किसी भी तरीके से इसकी सारी लर्निंग्स को राइट डाउन कीजिए, हमारे बहुत अच्छे रीडिंग मटेरियल्स हैं उसमें, उसको पढ़िए, इन 22 वीडियोस के एक्सपीरियंस को लेके अपने आप की बिजनेस पे इंप्लीमेंट कीजिए। क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं किया तो ये एंटरटेनमेंट हो जाएगा, अगर इंप्लीमेंट कर दिया तो इमीडिएट रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। तो आप जो है इस कोर्स को अनलॉक कर लीजिए और इस कोर्स को पूरी तरीके से देखिए। हो सकता है आपको ये कोर्स मल्टीपल टाइम्स देखना पड़े, थोड़ा टेक्निकल है नेचर में, फाइनेंस के बारे में है, पर देखिए इसको, अपना समय निवेश कीजिए क्योंकि ये जो निवेश आप करेंगे उससे आपके बिजनेस में बहुत सॉलिड वृद्धि होगी। क्योंकि आप क्या सीख रहे हैं, आप फाइनेंस सीख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप इस कोर्स को अनलॉक कीजिए इमीडिएटली और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, लर्निंग को बढ़ाइए, रीडिंग मटेरियल को पढ़िए। तो आपने इस वीडियो को देखा और आप फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद इमीडिएटली कोर्स को अनलॉक करने वाले हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।